क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए इन्होंने क्या पूछा, सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। क्वेश्चन को समझिए इन्होंने क्या पूछा है। देखिए, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में दो पार्ट है, बारी बारी से सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, 5p + 2 = 17, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, तो लेफ्ट से अगर हम सोल्व करते हैं तो राइट वाले के बराबर आंसर आना चाहिए, समझ गए। यानी लेफ्ट से सोल्व करेंगे तो लेफ्ट का सॉल्यूशन राइट वाले के बराबर होना चाहिए, यानी 17 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी है, तो पी की वैल्यू हम कितना लेंगे, इसमें तो दिया नहीं गया है, तो यहां दिया गया ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कहने का मतलब ये है भूल विधि से प्रयत्न करके हमें सोल्व करना है। तो यानी देखिए पी की वैल्यू 1 लेंगे, 1 लेकर इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, अगर 17 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो पी की वैल्यू 2 लेंगे, मतलब आईडीटी ये सीरियल नंबर से हम सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करके दिखाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी माइंड लगाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सोल्व करवाएंगे। तो यहां पे लिखिए 14 p = 1, यानी p की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। इन LHS, देखिए ये LHS हो गया और ये होता है 17 RHS, ये आपको लिखना नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे LHS में p = 1 रखने पर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए यहां पे 5 है, 5 लिखेंगे, p मिला, p की वैल्यू हमने क्या लिया था, 1, तो ब्रैकेट में लेंगे 1, ठीक है। प्लस है, प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या है, 2। बस अब सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, या देखिए ब्रैकेट है तो समझिए मल्टीप्लाई है, यानी गुना है, तो 5 × 1 = यानी 5 × 1 = 5, प्लस है, प्लस क्या मिला, 2। तो देखिए यहां पे 5 + 2 कितना मिल गया, 7, ठीक है। तो LHS हमारा निकल गया 7, RHS कितना है, 17, तो इक्वल तो हुआ नहीं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम therefore LHS does not equal RHS, ठीक है, यानी 7 है तो यहां लिखेंगे हम 7 does not equal RHS में कितना है, 17, ठीक है। चलिए तो यहां पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, therefore p = 1, p की वैल्यू हमने 1 लिया था, ठीक है। तो यहां लिखेंगे is not the सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे p = 1, यानी एक समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी इक्वल नहीं हुआ, LHS RHS के बराबर नहीं हुआ, तो 1 लिए थे p की वैल्यू, अब लेंगे 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या मिला था, 5p + 2 = 17, तो अब क्या करेंगे, p की वैल्यू हम 2 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि 17 के बराबर हो जाए LHS। तो चलिए यहां पे लिखेंगे हम 14, ठीक है, p = 2 अब लेंगे, ठीक है, इन LHS, ठीक है। हिंदी मीडियम लिखे यहां पे LHS में p = 2 रखने पर, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए 5 है तो यहां पे लिखिए 5, ठीक है, p मिला, तो देखिए p की वैल्यू हमने क्या लिया, 2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2, प्लस है, प्लस करेंगे,
टू मिला टू लिखेंगे, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं, देखिए ब्रेकेट मिला तो समझिए मल्टीप्लाई है, फाइव टू से क्या मिला टेन प्लस यहाँ क्या है टू, अब देखिए टेन प्लस टू कितना हो गया ट्वेल्व, तो देखिए ट्वेल्व आ गया एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है सेवनटीन, ये बराबर तो अभी भी नहीं हुआ, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस डज नॉट इक्वल आर एच एस, तो एलएचएस में कितना आ गया यहां पे लिखते हैं, चलिए देखिए ट्वेल्व डज नॉट इक्वल सेवनटीन, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू टू, हमने p की वैल्यू कितना लिया दो, तो यहां लिखेंगे इज नॉट द सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम लिखे यहां पे p बराबर दो समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो देखिए p की वैल्यू हमने टू लिया तब भी ये इक्वल नहीं हुआ, अब क्या करेंगे p की वैल्यू थ्री लेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या मिला था, फाइव पी प्लस टू इज इक्वल टू सेवनटीन, तो यहां पर चलिए अब सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे पुटिंग, ठीक है पुटिंग p इज इक्वल टू थ्री, देखिए वन टू दोनों हमने सॉल्व कर लिया, अब थ्री को रख कर देखते हैं इन एल एच एस, ठीक है हिंदी मीडियम लिखे एल एच एस में पी बराबर तीन रखने पर, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पे फाइव है फाइव लिखेंगे, अब देखिए पी मिला तो पी की वैल्यू हमने क्या लिया थ्री, तो ब्रेकेट में लेंगे थ्री ब्रेकेट क्लोज, प्लस मिला प्लस उसके बाद क्या है टू, चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए फाइव थ्री से कितना मिला फिफ्टीन, यानी ब्रेकेट है तो मल्टीप्लाई, फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस ये कितना मिला टू, ऐड कीजिए फिफ्टीन और टू सेवनटीन, तो देखिए एलएचएस हमारा मिल गया सेवनटीन और आरएचएस कितना मिला सेवनटीन, दोनों इक्वल मिल गया यहां पे, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल आर एच एस, ठीक है। आगे लिखिए यहां पे सेवनटीन इज इक्वल्स टू सेवनटीन, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं यहां पे देयरफॉर पी बराबर थ्री इज द सॉल्यूशन, ठीक है हिंदी मीडियम लिखेंगे p बराबर थ्री समीकरण का हल है, ठीक है। ये हमारा फाइनली ए पार्ट का आंसर हुआ, आंसर सेट भी मिला सकते हैं, p बराबर थ्री आंसर आया, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो देखिए सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या दिया 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, यानी m की वैल्यू क्या करेंगे 1 लेकर सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो m की वैल्यू 2 लेंगे फिर 3 लेंगे फिर 4 लेंगे, मतलब कब तक लेते रहेंगे जब तक इसके बराबर यानी RHS के बराबर जब तक नहीं होता है तब तक, ठीक है। चलिए सोल्व करके आपको दिखाते हैं, यहां पर लिखिए पोटिंग m इज इक्वल्स टू वन इन एल एच एस, ठीक है हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे एल एच एस में m बराबर एक रखने पर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पे थ्री मिला थ्री लिखेंगे, m मिला m की वैल्यू हमने क्या लिया वन, तो यहां ब्रेकेट में लिखेंगे वन, माइनस है माइनस लिखेंगे, फोर्टीन मिला फोर्टीन, ठीक है ध्यान रहे ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं LHS से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है तो समझिए मल्टीप्लाई, 3 1 क्या मिला 3, माइनस है माइनस, यहाँ क्या मिला 40। अब देखिए, अब देखिए 3 -14 मिला, 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 11। साइन किसकी बड़ी है, माइनस वाले की, यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे LHS क्या मिला, माइनस का 11 और RHS में कितना था 4, तो इक्वल तो हुआ नहीं, बराबर हुआ नहीं, तो यहाँ लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल RHS, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे LHS में कितना आया, माइनस का 11, ठीक है, डज नॉट इक्वल RHS में कितना है 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, देयर फोर एम इज इक्वल्स टू 1, एम की वैल्यू हमने क्या लिया था 1 इज नॉट दी सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी मीडियम लिखेंगे यहाँ पे, एम बराबर एक समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो देखिए एम की वैल्यू हमने 1 लिया, फिर भी इक्वल नहीं हुआ, अब क्या करेंगे एम की वैल्यू 2 लेकर सॉल्व करते हैं। चलिए हमें कब तक सोल्व करना है, जब तक राइट हैंड साइड के बराबर ना हो जाए। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या मिला था, 3m -14 इजिकल्स टू 4। चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पे लिखेंगे पुटिंग m इजिकल्स टू, देखिए अब m की वैल्यू यहां पे 2 ले रहे हैं, इन LHS, ठीक है। हिंदी मीडियम लिखेंगे LHS में m बराबर 2 रखने पर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 है 3 लिखेंगे, और देखिए m मिला, m की वैल्यू हमने क्या लिया 2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2, माइनस है माइनस, क्या मिला 14। चलिए सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट है तो समझिए मल्टीप्लाई है, 3 2 6, माइनस है माइनस 14 एडिटी। अब यहां पे देखिए 6 -14 मिला, तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा 8, लेकिन साइन किसकी बड़ी है, माइनस वाले की, यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड माइनस का 8 आ गया और राइट हैंड साइड में क्या था 4, तो इक्वल नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट इक्वल, ठीक है, लिखिए देयर फोर LHS डज नॉट इक्वल RHS, LHS में क्या मिला माइनस का 8, डज नॉट इक्वल RHS में क्या था 4 था, यहां पे 4 लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक लाइन लिखते हैं यहां पे, देयर फोर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट दी सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब है एम की वैल्यू हमने 2 लिया, फिर भी ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ। हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे, एम बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो देखिए m बराबर हमने 2 लिया, फिर भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, अब क्या करेंगे m इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, ठीक है, यानी m की वैल्यू अब 3 लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये मिला था, 3m -14 इज इक्वल टू 4, तो चलिए अब 3 लेकर सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे पुटिंग m इज इक्वल टू 3, यानी m की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, इन LHS, ठीक है। हिंदी मीडियम लिखेंगे LHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में m बराबर 3 रखने पर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं यहां पे, देखिए 3 मिला, 3
थ्री लिखेंगे, एम मिला, एम की वैल्यू हमने क्या लिया थ्री, तो ब्रेकेट में लेंगे थ्री, ठीक है। माइनस है, माइनस क्या मिला 14। चलिए सोल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकेट है तो समझिए मल्टीप्लाई है, थ्री थ्री से क्या मिला 9, माइनस है माइनस, यहाँ क्या मिला 14, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या मिला 9 माइनस 14, तो 14 में से 9 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा 5। साइन किसकी बड़ी है, माइनस वाले की, यहाँ माइनस का साइन दे देंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो माइनस का 5 मिल गया, और यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में 4, तो ये दोनों इक्वल तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore LHS does not equal RHS। तो देखिए यहाँ पे LHS में कितना है, माइनस का 5 है, तो यहां लिखेंगे माइनस का 5 डज नॉट इक्वल, देखिए RHS में कितना मिला था 4, यहां 4 लिख देंगे, यहां एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको therefore M is equals to 3 is Not the solution, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है हमने m की वैल्यू 3 लेकर भी सोल्व किया फिर भी ये इक्वल नहीं हुआ, तो यहां पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, यानी हिंदी मीडियम लिखेंगे m बराबर 3 समीकरण का हल नहीं है। तो देखिए हमने m की वैल्यू 3 लेकर सॉल्व किया फिर भी ये LHS RHS इक्वल नहीं हुआ, अब क्या करेंगे यहाँ पे 4 लेके सॉल्व करेंगे। चलिए 4 लेते हैं आप, तो देखिए यहाँ पे आप 4 लेके सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या मिला था 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। चलिए अब लेके हम 4 यानी m की वैल्यू अब 4 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 14, ठीक है, m इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, हमने 3 ले चुके हैं, अब यहाँ पे 4 लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे इन एल एच एस, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहाँ पे एल एच एस में एम बराबर 4 रखने पर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या मिला यहाँ पे 3, आईडीटी लिखिए 3, एम मिला, एम की वैल्यू हमने क्या लिया 4, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 4, माइनस है माइनस, कितना मिला 14, सॉल्व कीजिए यहाँ पे, देखिए ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, 3 4 से क्या मिला 12, माइनस है माइनस, क्या मिला 14। अब देखिए 12 माइनस 14 यानी 14 में से 12 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा 2, साइन किसकी बड़ी है माइनस वाले की, यहाँ माइनस का साइन दे देंगे। तो देखिए अब भी क्या हुआ LHS यानी RHS के इक्वल नहीं हुआ, तो यहां लिखेंगे therefore LHS does not equal RHS, ठीक है। तो देखिए LHS में क्या मिला माइनस का 2, does not equal RHS में कितना मिला 4, यहां लिखेंगे 4, ठीक है, तो यहां लिखेंगे एक लाइन नीचे therefore, ठीक है, m इज इक्वल्स टू 4 इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे m बराबर 4 समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि हमने m की वैल्यू 4 रखकर भी सॉल्व किया फिर भी ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ। तो देखिए अब क्या करेंगे m की वैल्यू 5 लेके सॉल्व करते हैं, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या मिला 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, चलिए सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे पुटिंग m इज इक्वल्स टू, देखिए अब m की वैल्यू यहां पे क्या लेंगे 5 लेंगे, ठीक है, इन एल एच एस, ठीक है, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे एल एच एस में एम बराबर 5 रखने पर, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं यहां पे, देखिए 3 है 3 लिखेंगे
अब देखिए m मिला, m की वैल्यू हमने क्या लिया 5 यानी 5 लिया, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 5, माइनस है माइनस क्या मिला 14। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए 3 5 जा यानी ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 क्या मिला माइनस, अब क्या मिला 14। चलिए सॉल्व करते हैं, 15 माइनस 14 यानी 15 में से 14 को माइनस करें क्या मिलेगा 1। यहाँ साइन किसका रहेगा, किसकी बड़ी है प्लस वाले, क्योंकि साइन नहीं है तो क्या है प्लस, तो प्लस का साइन दे भी सकते हैं नहीं भी। तो देखिए अब भी 1 मिल गया LHS और RHS में क्या है 4 है, ये दोनों अभी भी इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल RHS। तो देखिए यहाँ पे LHS में कितना मिला 1, डज नॉट इक्वल RHS में कितना है देखिए 4 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 4, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, लिखिए यहाँ पे देयरफॉर, देखिए मैथ में ज्यादा कटफट नहीं करना है, ठीक है शुद्ध लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए m बराबर यानी m इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे, m बराबर 5 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो देखिए m की वैल्यू हमने 5 लिया, फिर भी ये दोनों इक्वल नहीं हुए LHS और RHS, अब क्या करेंगे m की वैल्यू 6 लेके सॉल्व करते हैं, क्या पता मिल जाए हमारा RHS और LHS इक्वल। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या मिला था 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए यहां लिखेंगे पुटिंग m इज इक्वल टू 6, तो देखिए अब m की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 6 इन LHS, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में m बराबर 6 रखने पर। बस चलिए सॉल्व करके देखते हैं, 3 मिला 3 लिखेंगे, यहां देखिए m है, m की वैल्यू हमने क्या लिया 6, तो यहां लिखेंगे ब्रैकेट में 6, माइनस है माइनस, अब क्या मिला 14। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई समझिए, ये 6 है ठीक है, तो देखिए 3 6 क्या मिला 18, माइनस है माइनस क्या मिला 14। अब यहां देखिए 18 माइनस 14 आ गया, तो 18 में से 14 को माइनस करें क्या मिलेगा 4, साइन किसकी बड़ी है प्लस वाले की, ये समझिए साइन नहीं है तो क्या है प्लस है, तो यहां प्लस का साइन दे भी सकते हैं नहीं भी। तो देखिए LHS हमारा कितना निकल गया 4 और RHS कितना निकला है यानी कितने बुक में दिया गया है 4, तो दोनों इक्वल मिल गया हमें, तो यहां लिखेंगे हम देयरफॉर LHS इक्वल RHS, LHS में क्या मिला 4 इक्वल RHS में क्या था 4, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम देयरफॉर m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन, ठीक है, यानी m की वैल्यू 6 रखने पर ये हमारा जो LHS और RHS है दोनों इक्वल हुए। हिंदी मीडियम लिखेंगे m बराबर 6 समीकरण का हल है, ये हमारा फाइनली आंसर है, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।